मेरे नाल इस वक्त वरिष्ठ भाजपा आगू तरुण चुग मौजूद ने गलबात करांगे। सर, जिस तरीके नाल हरियाणा चोणां होईयां, बीजेपी की जित हुई तो उस तो बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है, एक जवाब दिता गया, किवें देखदे हो? फिर कांग्रेस पार्टी विचारहीन, नेतृत्वहीन, नीतिहीन डुबदा होया जहाज है। जदों ये हारदे ने ते निशाना ईवीएम ते चुनाव ही होते। जदों कर्नाटका च जीत जाओ, तेलंगाना च जीत जाओ, हिमाचल च जीत जाओ, उदों ईवीएम की गलती नहीं निकलती। अज दो दर्जन चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी, लेकिन अहंकार बहुत है। अज भी विवेकहीन युवराज की महापरिक्रमा च पूरी तरह पार्टी लगी है, और वह विवेकहीन नेता कांग्रेस पार्टी ऐसे गठबंधन ऐसे और देश ऐसे लाइबिलिटी बने हुए। पंजाब की गल करिए, सीजन चल रहे आप, वो कह रहे हैं कि सेंटर वालों मदद नहीं आ रही, डीएपी नहीं मिल रही है, बैठक भी हुई है, किवें देख सेंटर कह रहे? दाना दाना चुकन वास्ते पैसा स्टेट गवर्नमेंट नूं भेज दिता गया, 41,000 करोड़ तो ज्यादा पैसा केंद्र ने झोना चुकन से भेजा। खाद वास्ते 100% उपलब्धता की गरंटी दी, MSP नूं वधाया, 70 साल वाले भी हुण उन्हां नूं लाभ मिलेगा। ऐसा है कि दिल्ली और बंगाल दो स्टेटां नूं अगर छड़ दईए तो पूरे देश दे अंदर आयुष्मान भारत दे तहत देश दे अंदर पहले ही 40 करोड़ भारतीयों 5 लाख का मेडिकल कवर का लाभ मिल रहा है, जिस दे उपयोग नाल करोड़ों भारतीयों ने अपनी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज कराया और तो छुटकारा पाया। हुण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12,850 करोड़ की नई योजना के तहत देश के 70 साल के सारे बुजुर्ग, चाहे किसी भी पार्टी के ने, किसी भी पंथ के ने, किसी भी धर्म के ने, किसी भी आज वो हर एक 5 लाख का टॉपअप दिता है। मैं समझना ये बहुत शलाघा जो कदम है। अज जड़े लोग दिल्ली और बंगाल की जनता नू आयुष्मान तो वंचित करे, उन्होंने आयुष्मान का लाभ नहीं लैन दिता। धन्यवाद गल करने लई। मेरे नाल तरुण चुग जी ने साडे नाल कई मुद्दियां तो खास गलबात की। दिल्ली तो कैमरा मैन आदित्य नाल नितिन तिवारी, MSP News।